प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन लॉ की दूसरी टेस्ट सीरीज का ये सॉल्व पेपर है। चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करिए। अगर आपने टैक्सेशन लॉ की पहली टेस्ट सीरीज सॉल्व पेपर की नहीं देखी है तो आप टैक्सेशन ला के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ पर भी मिल जाएगी वीडियो सॉल्व पेपर टेस्ट सीरीज़ बन की। और आप टेस्ट सीरीज़ की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है तो वहाँ पर भी आप उस प्लेलिस्ट में चले जाइएगा तो वहाँ पर भी आपको टेस्ट सीरीज़ वन की सॉल्व पेपर की वीडियो आपको मिल जाएगी। वहाँ से भी आप टेस्ट सीरीज़ वन की वीडियो देख सकते हैं सॉल्व पेपर की। तो चलिए देर नहीं करते हुए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। दूसरी टेस्ट सीरीज प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन लॉ की पहला क्वेश्चन आपके सामने। तो पहले क्वेश्चन में आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहां पर ए ऑप्शन सही होगा आपका। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, दूसरे क्वेश्चन में आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, तीसरे क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चार आपके सामने है, चार में आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर पाँच है, पाँच में आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स में कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, आर्थिक दंड। क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन में कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? तो क्वेश्चन नंबर सेवन में आपका सी ऑप्शन सही होगा, ए एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट में कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका यहाँ पर? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। वास्तव में जिन लोगों ने जो है अनसॉल्व पेपर किया हुआ है, आंसर्स लिख लिया है, तो वो मिलान कर लें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नाइन नंबर, क्वेश्चन नंबर नाइन का ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर टेन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर इलेवन, इलेवन में कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? तो इलेवन में आपका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेल्व नंबर, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर तेरह, कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर चौदह में कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर पंद्रह में कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर सोलह में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ डी ऑप्शन सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर सत्रह, सत्रह में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर अट्ठारह, तो अट्ठारह में कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। क्वेश्चन नंबर नाइनटीन, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, कर भार। क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा, 161। ट्वेंटी वन, कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर बाईस, बाईस में कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 23, 23 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 24 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 27 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? 27 में। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 33, नंबर 33 में आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 34 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 35 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 36 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 37 में सी। क्वेश्चन नंबर 38 में सी। क्वेश्चन नंबर 39 में सी। क्वेश्चन नंबर 40 में ए। क्वेश्चन नंबर 41 में बी। क्वेश्चन नंबर 42 में ए। क्वेश्चन नंबर 43 में बी। क्वेश्चन नंबर 44 में डी। क्वेश्चन नंबर 45 में सी। क्वेश्चन नंबर 46 में क्वेश्चन नंबर 47 में क्वेश्चन नंबर 48 में क्वेश्चन नंबर 49 में क्वेश्चन नंबर 50 में तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी तक लाइक नहीं किया कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक कर लीजिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।